दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के इस सेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जो हाई लेवल मेडिटेटर्स थे, जो मेडिटेशन के मास्टर्स थे, उन्होंने कहा कि अपने कर्म को ध्यान बनाओ। ओके, आप जो भी कर रहे हो उसमें मेडिटेशन जोड़ दो, यानी हर एक काम होश में करो, ध्यान पूर्वक करो। लेकिन हमने उस मेडिटेशन को ही काम बना लिया, उस मेडिटेशन को ही कर्म बना लिया। हमने चालाकी की और उसकी वजह से हम आलसी हो गए और लॉजिक बिठा लिया वहां पे कि अब मेहनत करने की क्या जरूरत है, ध्यान ही सब कुछ है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान रहे कि ध्यान से फॉर्चून संपत्ति नहीं आती है, ध्यान से समझ आएगी, फिर उसमें आपको मेहनत जोड़नी पड़ेगी। ध्यान से एनर्जी आती है, मेडिटेशन से संकल्प आपका बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है। और अगर कोई आदमी दोनों को मिलाकर काम करता है तो बहुत बढ़िया फॉर्चून क्रिएट कर देता है। लेकिन हमने देखा है कि काफी लोग ये मेडिटेशन करके लेथार्जिक हो गए, आलसी बन गए। उनको लगता है कि बस अब हम लोग शांत हो गए और बैठ गए हैं, लेकिन ये उनका बेसिक मैसेज नहीं था, ये उनका बेसिक टीचिंग नहीं थी। उनकी बेसिक टीचिंग थी अंदर और बाहर दोनों में समृद्ध हो जाओ। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अंदर और बाहर दोनों तरीके से कैसे समृद्ध हुआ जाता है, क्या एग्जैक्टली टेक्निक्स है, ध्यान का एस्केपिज्म में कन्वर्जन ना हो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो अभी हमारी वेबसाइट पर जाइए और अपना फ्री कंसल्टेशन स्लॉट बुक कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप कॉल या SMS भी कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टे हैप्पी। Chiral Ventures, precise, profitable results.